हाँ, सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जो लोग पहली बार आज जुड़े हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम नियति है और मैं अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। हम लोग अलोमोरा में आप लोगों की तरह 11th और 12th के दिल्ली और गुड़गांव में से 2500 बच्चों के साथ काम करते हैं, उनको उनके करियर के बारे में थोड़ा और समझने में मदद करते हैं। अभी कोरोना के समय में क्योंकि सब लोग अपने घर पे हैं तो हम लोग ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं और इस तरह से कोरोना में रुकोना सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके उनके बारे में जान सकते हैं, उस इंडस्ट्री को थोड़ा और बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग ये भी चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर फटाफट से जाके अपना नाम और जो भी दीदी भैया आपको पढ़ाते हैं उनका नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। अगर आप टीच फॉर इंडिया से हैं तो टीच फॉर इंडिया लिख सकते हैं साथ में, और अगर अलोमोरा से हैं तो जो भी दीदी भैया आपको पढ़ाते हैं वो नाम लिख दीजिए। 30 सेकेंड्स हम लोग वेट करेंगे। हरिओम ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, थैंक यू हरिओम। बाकी लोग भी फटाफट से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ग्रेट, वी हैव सुप्रिया फ्रॉम अलोमोरा, वी हैव किरण फ्रॉम बेगमपुर, परवीन है हमारे साथ, रिशिता है, ग्रेट। अपने आप को फटाफट से सब लोग इंट्रोड्यूस कर दीजिए। लवली, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते रहिए, जितने जिसने अगर नहीं भी किया है, जो लोग अभी बाद में भी जुड़े हैं प्लीज़ अपने आप को चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारे साथ आज के सेशन के लिए राजदीप भैया हैं हमारे साथ, आप सबको यहाँ पे दिख रहे हैं राजदीप भैया। राजदीप भैया डिज़ाइन की फील्ड से हैं, राजदीप भैया एक डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, थोड़ा नया नाम हो सकता है आप लोगों के लिए, भैया अच्छे से समझाएंगे आपको कि वो क्या होता है। भैया ने अपनी फील्ड अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चुनी है, जो उन्हें पसंद आया उन्होंने वो इंटरेस्ट का फील्ड चुना, और वो चाहते हैं अपनी तरह बाकी बच्चे भी जो उन्हें पसंद आता है वो काम करें, जिस तरह से भैया अपने काम को एंजॉय कर पाते हैं बाकी बच्चे भी वो कर पाए, तो इसी के लिए आज भैया हम लोगों के साथ जुड़े हैं। और वो आपको आज ये बताएंगे कि एनिमेशन और डिज़ाइन में आप अपना पाथ कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, क्या क्या करियर्स होते हैं एनिमेशन और डिज़ाइन में। सो आई वुड नाउ वॉन्ट टू वेलकम राजदीप एंड हैंड इट ओवर टू यू। हे हाय एवरीवन, सो बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मिलके बात करके। आज हम बहुत बहुत कुछ बात करेंगे, राइट? सो मैं पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ लाइक राजदीप चैटर्जी और मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ। मैं एक्चुअली कंपनीज को उनके एप्लीकेशंस को बेटर डिज़ाइन करने में हेल्प करता हूँ। ये आपका वेबसाइट भी हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकता है, जो आप रेगुलर वे में रेगुलर डे में यूज़ करते हो, राइट? तो ये तो हो गया मैं क्या करता हूँ, राइट? सो एक्चुअली आज हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में, और उसके पहले हम देखते हैं कि मैंने कैसे एक्चुअली डिस्कवर किया डिज़ाइन के बारे में, राइट? सो मुझे हमेशा से एक्चुअली नहीं पता था कि डिज़ाइन क्या है, राइट? मैं क्या करूँगा या फिर मेरा पैशन क्या है। मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, राइट, कि आर्ट में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था स्कूल में, और मैं एक्चुअली एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, राइट? तो मुझे क्लियर गोल कुछ नहीं था लाइफ में कि यार करना क्या है। तो एज ऑल इंडियन पेरेंट्स, राइट, मेरी मम्मी ने भी हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे लिए एक ट्यूशन्स लगा के रखे थे। सो मैं हर एक ट्यूशन में जाता था, मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे, राइट? तो हुआ ये एक दिन एक्चुअली कि मेरे सारे फ्रेंड्स क्लास के पहले मुझसे बात करना चालू किए कि यार क्या करेंगे, राइट? मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा ये था कि उनको पता था कि क्या करना है। कोई बोला कि यार मुझे कॉमर्स करना है, राइट? कोई बोला कि यार मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, एंड मैं एकदम क्लूलेस था कि यार मुझे करना क्या है लाइफ में। और तभी एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे एनिमेशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं एनिमेशन में ही जाऊंगा। एंड मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे कि यार ये होता क्या है। और तभी एक्चुअली क्लास चालू हो गया, तो मैं एक्चुअली उससे पूछ भी नहीं पाया।
कि एक्चुअल में होता क्या है, राइट, एनिमेशन. तो मैंने उसको एक्चुअली क्लास के बाद अप्रोच किया एंड देन मैंने उसको पूछा कि यार एनिमेशन के बारे में तू बोल रहा था कि यार बट होता क्या है एनिमेशन. सो उसने मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन किया एंड आफ्टर लिसनिंग टू हिम आई वॉज लाइक कि यार ये कितना सही है कि लाइक पीपल मेक कार्टून फॉर देयर लिविंग. लाइक आप कार्टून बना के आपको उसके पैसे मिलेंगे, राइट, यू एक्चुअली गेट पेड टू गेट मेक कार्टून्स. अब एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कार्टून ही बनाना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ एनिमेटर एट दैट मोमेंट. बट देन मेरे दिमाग में ये था कि यार पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूँ, क्योंकि एट दैट टाइम नोबडी न्यू अबाउट वॉट डिज़ाइन इज, वॉट एनिमेशन इज. सो ये एक्चुअली मेरा पहला मोमेंट था लाइफ में जहाँ पे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने डिज़ाइन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया. ऐसे बहुत सारे एक्चुअली फेजेस हुए लाइफ में जो हम बात करेंगे, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली करियर्स डिसिप्लिन के बारे में जानता गया, राइट. तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बारे में कि मैं एक्चुअली ट्वेल्थ में मैथ्स में फेल हो गया था, राइट. एंड देन मेरे पेरेंट्स एकदम शॉक में आ गए थे कि यार अब क्या होगा, राइट, अब करना क्या आगे, किस सब एक्चुअली डिस्कशन करना चालू कर दिए. और मेरे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने नेबर्स के साथ आउटसे रिलेटिव्स के साथ पूरा डिस्कशन चालू कर दिया कि यार अब क्या करें, अब तो ये हो गया, राइट. बट एट दैट मोमेंट मेरे को रियलाइज हुआ कि कोई मुझे नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है ना. सो ये एक्चुअली आप लोगों ने भी फेस किया होगा या फिर हम इन अ लाइफ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ये कि बेसिकली जिसको जो करना है वो उसे कोई कुछ नहीं पूछता है कि यार करना क्या है एक्चुअली, राइट. एट दैट मोमेंट मुझे पता था कि मैथ्स नहीं करना है, राइट, क्योंकि आई डोंट हैव दैट स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथ्स. बट मुझे तब तक आइडिया आ गया था कि एनिमेशन में आई हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट, राइट. तो कैसे आगे बढ़े एंड देन मैंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया एट दैट टाइम कि मुझे एनिमेशन करना है ट्वेल्थ के बाद. एंड मेरे पेरेंट्स ने सोचा एज नॉर्मल पेरेंट्स डू, राइट, कि यार ये क्या है, इससे करियर कैसे बनेगा, राइट. तो बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द फर्दर स्टोरी, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार मुझे एनिमेशन करना है और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट एनिमेशन होता क्या है, राइट. तो मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, आप मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं. क्या आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. सो बिफोर एक्चुअली डीप डाइविंग इनटू एनिमेशन क्या होता है, राइट, सो एक छोटा सा जस्ट दे देता हूँ कि आपको कि डिजाइन ओवरऑल होता क्या है. तो एक डिजाइनर है, राइट, एरिक, उसने बोला है कि डिजाइन इज एवरीथिंग वी मेक, इट इज अ क्राफ्ट, इट्स अ मिक्स ऑफ क्राफ्ट, साइंस, स्टोरी टेलिंग, प्रोपोगंडा एंड फिलोसफी. सो इस बारे में एक्चुअली बाद में थोड़ा सा बात करेंगे. नाउ लेट्स गो टू एनिमेशन. सो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ओवरऑल डिजाइन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर अलग अलग फील्ड्स आते हैं. तो एनिमेशन एक वन ऑफ द पार्ट्स है, राइट. सो बेसिकली सबसे पहले हम देख ये जानते हैं कि एनिमेशन होता क्या है. बट मैं एक्चुअली आपको पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को एनिमेटेड मूवीज या फिर कार्टून आपको पसंद है या फिर आप लोगों ने देखा होगा कोई. सो आप अगर मेरे को बता सकते हो कि अगर आप कोई एनिमेटेड मूवीज या फिर कार्टून आप जो देखते हो, कुछ भी हो सकता है वो. ओके ओके, राइट 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 राइट. सो वाओ, ड्रैकुला, ओके, डोरेमोन, ओ वन ऑफ द फेवरेट आई थिंक सो कार्टून्स इंडिया में है ना, राइट, ठीक है, डन. शिंचैन, वाओ, पिंक पैंथर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो एक्चुअली एनिमेशन होता क्या है, ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है. बट अगर आपको मैं अगर समझाऊ कि टेक्निकल वे में या फिर टेक्निकल छोड़ के, राइट, तो एनिमेशन इज समथिंग विच वी डू नॉट फाइंड इन अ रियल वर्ल्ड, है ना, एंड वी वॉन्ट टू विजुअली लाइक मेक इट विथ आर इमेजिनेशन. तो ये एक चीज हो गया कि अगर आप मेरे को पूछोगे कि यार नॉर्मल मूवी में और एनिमेशन में डिफरेंस क्या होता है ना. सो नॉर्मल मूवीज में आप कैरेक्टर्स को हायर
कैरेक्टर्स को हायर करते हो, जैसे आपके हीरोज हो गया, हो गया हीरोइंस हो गया, राइट। बट इन एनिमेटेड मूवीज आप अपने कैरेक्टर्स को खुद बनाते हो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से, और एनिमेशन एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरिया है, मीडियम है आपके इमेजिनेशंस को एक्चुअली लोगों तक पहुंचाने का, कि आपके दिमाग में जो भी है आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। सो ये हो गया एनिमेशन के बारे में कि होता क्या है। आप देखते हो कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। सो देयर आर लाइक 2D एनिमेशंस, 3D एनिमेशंस, 2D एनिमेशन और वी कैन से ट्रेडिशनल एनिमेशन। 2D एनिमेशन में जैसे कार्टून्स हो गए, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, राइट, डोरेमोन, जैसे आपने आपने बोला मोटू पतलू, तो ये सारे एक्चुअली ट्रेडिशनल एनिमेशन होते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है कि स्केच करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। अब स्केच करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे ये अगर हाथ हो गया, सो ये एक फ्रेम हो गया, राइट, और इसको आप स्केच करोगे, उसके बाद मुट्ठी खुलते हुए खुलते हुए खुलते हुए पूरा ये एक्चुअली स्केच करते हुए और इसको फिर एक कंपाइल करते हैं। तो ये पूरा एक्चुअली पुराने ज़माने में अगर आपने मिकी माउस देखा होगा तो डिज्नी के जो एनिमेटर्स थे वो एक्चुअली ड्रॉ करते थे एक एक फ्रेम। उसके बाद एक्चुअली 3D एनिमेशन आया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर एनिमेशन, जहाँ पे आप 3D में सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि वो आपको जो भी आपके दिमाग में है वो आपको पोर्ट्रे कर सके। सम ऑफ द मूवीज आपने देखा होगा, फाइंडिंग नीमो, कार्स, पिक्सार्स के जितने भी मूवीज है, राइट, वो सारे 3D एनिमेशन में आजकल बनते हैं, और मोस्टली जितने भी कार्टून्स एनिमेटेड है आजकल 3D में ही बनते हैं। दूसरा टाइप हो गया मोशन ग्राफिक्स, ये एक्चुअली थोड़ा सा कमर्शियल टाइप हो गया, जहाँ पे कंपनीज यूज करती है अपने एक्चुअली स्टोरी को बताने के लिए, है ना। और लास्ट वन हो गया स्टॉप मोशन एनिमेशन, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, या अगर क्ले ले लो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, लेट्स से कि आप अगर पेंसिल हो, ये एक पेंसिल है, राइट, सो इसका आप अगर स्टॉप मोशन बनाना चाहोगे तो कैसा होगा, तो इट्स वेरी सिंपल, आप एक पेंसिल को कहाँ पे भी रखो, इसका एक फ़ोटो खींचो और फिर दूसरा मूवमेंट करो, फोटो खींचो, और इन सारे मूवमेंट्स को एक जगह कंपाइल करके आपको एज अ मूवी बनेगा, सो दैट इज नोन एज स्टॉप मोशन एनिमेशन, है ना। सो ये तो ओवरऑल हो गया एनिमेशन के बारे में, राइट, एंड देन अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक्चुअली अपना स्क्रीन शेयर बंद करूंगा। यस, सो मैं एनिमेशन में मैंने रख तो दिया था, राइट, तब मेरे एक्चुअली पेरेंट्स ने बोला कि अब आगे कैसे बढ़े, राइट, क्योंकि नागपुर में, आई बिलोंग टू नागपुर, ठीक है, और नागपुर महाराष्ट्र, सो वहाँ पे एनिमेशन के कोई कॉलेजेस नहीं थे एज अ डिग्री कॉलेजेस। सो मेरे पेरेंट्स ने और मैंने डिसाइड किया कि मैं साइड में BBA करूँगा एंड देन मैं साइड में एक्चुअली एनिमेशन भी करूँगा। सो दैट एक्चुअली पर्टिकुलर 1 ईयर मैंने अपने आप को डेडिकेट किया अलग अलग चीज़ें सीखने में, राइट, और उस टाइम पे मैंने एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया जहाँ पे उन सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया अलग अलग चीज़ें डिसाइड करने में, डिज़ाइन में। सो जब मैं एक्चुअली स्टार्ट किया डिज़ाइनिंग पढ़ने में, राइट, और जब एनिमेशन मैंने स्केचिंग चालू किया एंड एवरीथिंग, तो मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट गया एक दूसरी फील्ड की तरफ एकदम से। तो वहाँ पे मुझे पता चला एक नया फील्ड है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिक डिज़ाइन, है ना। सो आइए आप बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। सो ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा फील्ड है, है ना। सो वहाँ पे वन मिनट, हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन इज लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती है, राइट, और मेरा एक्चुअली स्पेशल इंटरेस्ट वहाँ पे गया क्योंकि मुझे एक्चुअली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरे लाइफ में, एंड कीपिंग इन दैट माइंड कि मुझे एनिमेशन भी करना था, राइट। डिज़ाइनिंग में एक्चुअली एक बहुत अच्छा चीज़ है, इट्स नॉट लाइक अदर करियर्स की, जैसे आप इंजीनियर हो, राइट, तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़, लाइक एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं कर सकते हो। अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर एज अ एनिमेटर हो, इट इज़ वेरी फ्लूइड, तो आप करियर्स कभी भी आप कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, राइट, है ना। सो ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे पहला चीज़ और सबसे ज़्यादा फेमस होता है ब्रांडिंग एंड विजुअल डिज़ाइन। सो इसमें क्या होता है कि
हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्टोरी होता है राइट, अपने कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ राइट, बट इन एंड ऑल अगर उनको अपने ऑडियंस तक पहुँचना है तो एज अ डिज़ाइनर हम उसे एज अ फेस देते हैं, इट कैन बी एज अ लोगो। आपने बहुत सारे ऐसे लोगोस देखे होंगे जो आपके दिमाग में एकदम बैठे होंगे बट आपको कंपनी लाइक कंपनी का नाम पता नहीं होगा, है ना। बहुत बार होता है कि आपने वो लोगो देख लिया कि अरे ये तो मैकडॉनल्ड्स का लोगो है ना, या फिर HP गैस, या फिर ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ब्रांडिंग एंड विजुअल डिज़ाइन में लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड्स, स्टेशनरी, तो एक बेसिकली एक डिज़ाइनर वही चीज यही चीज़ बनाता है, बिजनेस न्यूज़ लेटर्स एंड इट कवर्स एवरीथिंग इन एन ऑल। नाउ अगर हम दूसरे टाइप में जाएंगे ये होगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिज़ाइन। अब मैं आपको इन एन ऑल टर्म्स, आप ज़्यादा टर्म्स पर ध्यान मत दो बट ओवरऑल कि एक डिज़ाइनर करता क्या है और उसके अलग अलग क्या रोल्स होते हैं वो आप ज़्यादा जगह जान लोगे तो इट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो, है ना। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड चलेगा ही नहीं अगर डिज़ाइनर उसमें है ही नहीं, है ना। कि अगर कुछ भी आपको कन्वे करना है आपको एक डिज़ाइनर चाहिए जो आपको दिखा सके विजुअली या फिर एज अ एनिमेटेड थिंग या फिर एनी अदर मीडियम। सो एज अ आर्ट डायरेक्टर, सो आप अगर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जाओगे तो आप एज अ आर्ट डायरेक्टर वहाँ पे जाओगे और एज अ आर्ट डायरेक्टर आपको एक छोटे से ब्रॉशर डिज़ाइन से लेके एक बड़ा कैंपेन भी आपको करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, है ना, इन्फोग्राफिक्स एंड एवरीथिंग। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन। अब आ गया एडिटोरियल डिज़ाइन। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बुक्स देखी होगी राइट, आपने मैगजीन्स देखा होगा, न्यूज़पेपर्स देखे होंगे। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइनर का काम यही होता है इसमें कि आप जो ऑथर के दिमाग में है, जो उसका विजन है, उसको आप कैसे लोगों तक पहुँचाओगे एक बुक के ज़रिए। बहुत बार आपको पता नहीं रहता है कि ओवरऑल बुक की स्टोरी क्या है, है ना, बट आप जैसे ही आप देख लेते हो कि जैसे अगर टाइटैनिक की आपने देखा, अगर टाइटैनिक की बुक है राइट, और अगर आपने टाइटैनिक का बुक देखा और उसमें एक डूबता जहाज दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये टाइटैनिक के बारे में ही है कुछ, है ना। तो विजुअली रिप्रेजेंट करना या फिर लाइक करना, इट्स अ टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स वर्क राइट। उसके बाद हो गया हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन, बहुत ही सही है, आप लोग हर रोज इसको यूज़ कर रहे होंगे, एब्सोल्यूट राइट, आपके डे टू डे लाइफ में। और पैकेजिंग एक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीपल्स को लाइक उसके प्रोडक्ट को इंटैक्ट रखने में, बट ये वन ऑफ द एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कन्वे करें, मैसेज कन्वे करें कि होता क्या है। तो पैकेजिंग डिज़ाइनर्स ये भी करते हैं राइट। सो ये तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया पैकेजिंग डिज़ाइन में और ग्राफिक डिज़ाइन में ओवरऑल। सो वन मिनट, ओके, सो आई थिंक सो नियति मैडम डिस्कनेक्ट हो गई है बट वी विल कनेक्ट सून। सो मैं एक्चुअली कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो ग्राफिक डिज़ाइन मैंने सीख लिया, मैंने कर लिया वहाँ पे, और एक्चुअली एट दैट मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो BBA कर रहा हूँ उसका कोई एक्चुअली मीनिंग नहीं निकल रहा है मुझे, जिस इसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली मज़ा आ रहा था मेरे को एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और इन चीज़ों में। और मैंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश किया कि यार मुझे करने दो राइट, बट एट दैट मोमेंट्स मेरे पेरेंट्स को भी एक्चुअली पता नहीं था कि डिज़ाइन होता क्या है और उसमें क्या करियर्स होंगे, कैसे होंगे, दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ वरीड अबाउट मी, है ना। सो या सो दे वर एक्चुअली वरीड अबाउट मी। सो मेरी एक्चुअली बड़ी बहन ने शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। उन्होंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि यार प्लीज़ इसे करने दो, है ना। सो मेरे पेरेंट्स ने तब एक्चुअली डिसाइड किया कि अब करना क्या, क्योंकि मैं एक्चुअली फाइनल ईयर में था BBA में, और एट दैट मोमेंट मुझे ये लगा कि मैं एक्चुअली ड्रॉप आउट कर जाऊँ BBA से एंड मैं डिज़ाइन परस्यू करूँ फुल टाइम राइट। सो मैंने एक्चुअली अपने टीचर से बात किया जो BBA में, एंड देन शी सेड कि BBA होता है कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन राइट।
तो उसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ते हो, है ना? सो वहाँ से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया एंड देन मैंने अपने टीचर को बोला कि प्लीज आई वॉन्ट टू परस्यू दिस. सो मैम ने बोला मुझे एक चीज़ कि दैट्स रियली गुड, आप करो जाके. मैंने उनको मेरा काम दिखाया कि मैंने क्या क्या काम किया था तब तक. हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस राजदीप, यू आर ऑडिबल. आई डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज. नाउ आई एम एबल टू जॉइन थ्रू दिस. या नो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद शेयरिंग द डिफरेंट करियर ऑप्शंस दैट यू आर मेंशनिंग. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो एट दिस मोमेंट मैं जब कॉलेज में गया, राइट, डिजाइन करियर्स में, मुझे एक चीज पता चली कि देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जो मैंने किए और मैं जितने भी मैंने शेयर किए. सो उसमें से एक था एक्सपीरियंस डिजाइन, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है यूआई यूएक्स डिजाइन के नाम से, है ना? सो उस टाइम पे एक्चुअली कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी एंड ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही थी, है ना? सो मैं उस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान था एंड ये क्या किया मैं इतना ज्यादा नागपुर से बैंगलोर पढ़ने आया हूँ एंड देन ये सारी चीजें हो रही है. सो मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड ने बोला कि यार स्टॉप लाइक क्रिपिंग अबाउट इट एंड डू समथिंग अबाउट इट. सो मैंने सोचा यार इस वे में क्या करूँ. सो सब मैंने सोचा कि यार कॉलेज के ऊपर एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइक अपना ये कर सकें, असाइनमेंट दे सकें, अपने आई वुड से कि अटेंडेंस ले सके, जूरी राउंड्स होते हैं बहुत सारे तो वो कर सके, राइट? तो सो मैंने सोचा कि यार आप कॉलेज के ऊपर ही एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन, सो एक्चुअली यूआई यूएक्स होता क्या है ना? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ग्रेट. सो या यूएक्स एंड यूआई डिजाइन ये आजकल बहुत ज्यादा इसमें है और आपको बहुत ज्यादा लोग डिस्कस भी कर रहे होंगे इस बारे में. सो होता क्या है? सो यूएक्स डिजाइन इज ओवरऑल इज लॉट अबाउट डिजाइनिंग अ थिंग. अब आप सोच रहे होंगे यार ये थिंग है क्या, है ना? इस बारे में कुछ, ये थिंग एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी डिजाइनिंग एनी प्रोडक्ट. नाउ लेट्स से अ बॉटल और बट आजकल हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल फोन. सो बेसिकली आजकल ज्यादा ध्यान उधर ही जाता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे करें. बट इफ आई हैव टू गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल्स, नाउ लेट्स से कि आप इस बॉटल को डिजाइन कर रहे हो, इस बॉटल का आपको एक्सपीरियंस अच्छा करना है ना, तो आप कैसे करोगे, राइट? तो अगर आपको एक स्पोर्ट्स बॉटल बनाना है तो डिजाइनर ने एक्चुअली अगर आप इसके बारे में देखोगे तो इसने सोचा कि यार एक होल्डिंग चीज बनाते हैं कि जहाँ पे जब कोई इसे पकड़ेगा तो इसे इजीली पकड़ सके, है ना? जब अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो आप अगर इसको एज अ होल्डर भी बना सकते हो. तो एक बॉटल को इसने एक बेटर एक्सपीरियंस में इसको ट्रांसफॉर्म किया. सो दैट इज ऑल इट टेक्स टू बी अ यूएक्स डिजाइनर, है ना, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच एक्चुअली अ यूजर इज फेसिंग. और यूआई डिजाइन क्या हो गया कि आप जो बना रहे हो विजुअली उसको विजुअली कैसे बेटर बना सके यूजर इंटरफेस. अब नाउ आपको एग्जांपल देने के लिए, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. आप में से कितने लोगों ने ये आपके लाइफ में आया होगा कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट या फिर ऑफिस में जा रहे हो तो आपको पुश करना है या फिर पुल करना है? लाइक कितने लोगों का आपको, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, राइट? कि यार जब आपको धक्का ही मारना है तो वहां पे एक्चुअली हैंडल की जरूरत ही क्या है. सो ये आपको दिखाता है कि ये एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस दे रहा है, राइट? तो डॉन नॉर्मन एक्चुअली एक डिजाइनर है, उसने अपने आर्टिकल में लिखा कि इसको डिस्क्राइब किया ओवरऑल चीज को. सो अगर आप हॉस्पिटल्स में देखोगे तो देर इज दिस कि जब आप पुश कर रहे हो तो देर इज नो हैंडल देर, है ना? सो वहां पे जस्ट पुश करो आप, इट्स डन. सो अ बेटर एक्सपीरियंस आई वुड से इज समथिंग कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े जब आप उस इस चीज से इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना? सो अब कुछ बैड एग्जांपल्स देखते हैं, है ना? तो आई वुड से वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, आप
आपका व्हाट्सएप मैसेज है ना, तो आप में से कितने लोगों ने ये देखा होगा कि यार ये मैसेज देखा होगा, योर मैसेज हैज बीन डिलीटेड, इज डिलीटेड, राइट? जब भी कोई गलती से भेज रहा होगा, ये एक्चुअली वन ऑफ द फ्लॉज है कि ये आपको गंदा एक्सपीरियंस देता है. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जब आप मैसेज को डिलीट कर रहे हो, है ना, तो आपके दिमाग में ये मैसेज और क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है कि यार इसने डिलीट क्यों किया मैसेज, और इसने क्या मैसेज किया होगा, कि मतलब और ज्यादा डिलीट करने के चक्कर में और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, और हम एक्चुअली एंड अप वी आस्किंग द सेंडर कि यार क्या भेजा था तूने, डिलीट क्यों किया मैसेज, है ना. तो ये ओवरऑल उस पर्पस को ही डिफीट कर रहा है कि भाई लाइक मैसेज डिलीट हुआ है ना. सो दिस कैन बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर द यूजर. सो ओवरऑल इस एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा करें, दैट्स व्हाट अ यूएक्स डिजाइनर डज, है ना. सो सम ऑफ द अदर, सो यूएक्स एंड यूआई डिजाइन के अलावा बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है, जैसे सिनेमैटिक डिजाइन हो गया, एग्जीबिशन, फिल्म, फर्नीचर डिजाइन, प्रोडक्ट, टेक्सटाइल. सो ये एक्चुअली बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं और आप लोग जा सकते हैं. जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिटेल डिजाइन. रिटेल डिजाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज. जैसे आप मॉल्स जाते हो, राइट, और मॉल्स में जैसे बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, उसका उस शॉप का जो एक्सपीरियंस है वो आप कैसे सुधारोगे, या फिर आप लोगों को कैसे फॉलो अप दोगे, है ना, उस सब चीजों के बारे में एक रिटेल डिजाइन के बारे में पूरा ये सब होता है. सो ये सारी चीजें थी अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था. सो आज अब आप देखते हैं कि आप लोगों को कोई अगर डाउट है किसी के बारे में. ओके, सो भैया ने काफी सारी चीजें शेयर की हम लोगों के साथ अभी. भैया ने तीन चीजों के बारे में आप लोगों को बताया. भैया ने बताया ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, और भैया ने बताया यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है, एक्सपीरियंस डिजाइन जिसे कहते हैं. आप लोगों के जो भी सवाल है इसको लेके कि क्या करियर ऑप्शंस होते हैं या और किस किस तरीके का काम होता है इसमें, तो वो चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए कि आपके जो भी सवाल है अगले 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हम लोग आपके सवाल लेंगे. तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में है अभी इस समय, प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए. हम लोग 1 मिनट वेट कर रहे हैं. तो जो भी सवाल है वो पहले चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, एंड देन भैया विल स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. हरिओम ने क्वेश्चन लिख दिया है. दामिनी भी पूछ रही है, यस आई हैव अ क्वेश्चन. दामिनी, इफ यू कैन टाइप ऑन द चैट बॉक्स दैट वुड बी ग्रेट. और अगर आप अनम्यूट करके भी बोलना चाहते हैं तो फिर एक मिनट के बाद जब हम आंसर करना स्टार्ट करेंगे तब आप शेयर कर सकते हैं. आपके जो भी सवाल हैं आप टाइप करते रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों का आंसर करना. तो एक क्वेश्चन आ रहा है राजदीप, काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, क्या इसका कुछ सब्जेक्ट पे इम्पेरेटिव है कि हम क्या सब्जेक्ट लेते हैं 11th 12th में, एंड उस पे क्या डिपेंडेंसी है कि हम लोग इस फील्ड में जा सकते हैं नहीं. इफ यू कैन एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट सब्जेक्ट्स क्या लेते हैं 12th में या 12th के बाद क्या करें. राइट, सो एज सच आप अगर कॉमर्स भी कर रहे हो, राइट, या फिर साइंस आपने लिया है,
सो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से फील्ड से आ रहे हो एंड डिजाइनिंग में, तो इट डजेंट मैटर ओवरऑल, बट एक बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है. ऑल द डिजाइन कॉलेजेस रिक्वायर्ड दैट. एंड सो सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, अगर आपको थोड़ा साइंस साइंस में इंटरेस्ट है तो वो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा ओवरऑल डिजाइन में. बट इट डजेंट, सो डिजाइन डजेंट रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. अगर आप कॉमर्स से आ रहे हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, इट डजेंट मैटर, राइट? तो 12th के बाद आप अगर कॉमर्स भी लेते हो सो यू कैन स्टिल परस्यू डिजाइन, साइंस लेते हो स्टिल यू कैन परस्यू डिजाइन. सो देयर इज नो हार्ड एंड रूल कि आपको साइंस ही करना है या फिर आपको कुछ अलग सी आर्ट्स ही करना है ना? Yes, I think this helps. एक और सवाल है राजदीप, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या एनिमेशन के लिए हमारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए? So if you can explain a little about कि अगर एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर इमेजिन करना है किसी को, तो क्या स्किल्स हैं जो वो अभी से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं? तो ड्राइंग पे जैसे सवाल आया है, इस तरह से क्या कोई और स्किल्स भी हैं और ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है? So, एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन दोनों अलग अलग चीजें होगी, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइन में अलग अलग चीजें होती है और अलग अलग स्किल्स उसमें रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमेशन. सो एनिमेशन में जब आप बात करते हो ड्राइंग की, सो बेसिक एक्चुअली ड्राइंग स्केचिंग आपको आनी चाहिए, है ना? बट ओवरऑल आप जब एक्चुअली कोई कोर्स ज्वाइन करोगे या फिर करोगे, सो वो आपको डिटेल्स एंड बेसिक्स ऑफ डिजाइन एक्चुअली आपको समझा देंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो एज अ की अमेजिंग आपको ड्राइंग करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 3D एनिमेशन भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के साथ काम होता है. सो आप 3D एनिमेशन में जा सकते हो, आप मोशन ग्राफिक्स में भी जा सकते हो, है ना? सो इस फील्ड में बेसिक थोड़ा स्केचिंग, बेसिक ड्राइंग्स आपको ज़रूरी है. बट हाँ, देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव करियर्स, जैसे 3D एनिमेशन हो गया जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा काम करते हो रादर देन स्केचिंग, है ना? या फिर मोशन ग्राफिक्स, या फिर स्टॉप मोशन हो गया ऑल टुगेदर. स्टॉप मोशन में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आप एनिमेशन कर सकते हो. सो वो एक चीज हो गया एनिमेशन की तरफ से. एंड द अदर थिंग इज ग्राफिक डिजाइन, है ना? ग्राफिक डिजाइन में अलग अलग चीजें हैं, जैसे इलस्ट्रेशंस हो गया, है ना? वहां पे आपको स्केचिंग करना जरूरी है आपका. अगर स्केचिंग बहुत अच्छा है, आप ड्रॉ बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप उस वे में, उस साइड में जा सकते हो. बट अगर आपका स्केचिंग उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू परस्यू इट, यू कैन एक्चुअली डू इट. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना? तो ग्राफिक डिजाइन में आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, राइट? बहुत सारे. सो वो एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं ब्रोशर बनाने में, आपका लोगो बनाने में. बट ओवरऑल एक स्मॉल बेस आपका रहता है ड्रॉइंग में, राइट? कि आप एक्चुअली जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक्चुअली आप यूजर्स को बता सकते हो, कि लोगों को बता सकते हो कि अच्छा ऐसे बनेगा, है ना? जब आप कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हो, बेसिकली स्केचिंग इनिशियल स्टेज से ही चालू होता है कि आप क्या सोच रहे हो और आप कैसे बनाने वाले हो. तो वही एक चीज है. तो जैसे भैया भी बता रहे हैं कि ड्रॉइंग अगर थोड़ा बहुत आता है, इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है. बट अगर नहीं भी बहुत अच्छा है, तो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग चीजें डिजाइन कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड देयर इज अनदर क्वेश्चन राजदीप, कि अगर हमें अपनी इन स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, सो आर देयर एनी ऑनलाइन कोर्सेज और एनी सॉफ्टवेयर्स दैट यू रेकमेंड जिनको अभी से प्रैक्टिस किया जा सकता है करना? तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज या सॉफ्टवेयर्स, सम ऑफ द बेसिक सॉफ्टवेयर्स जो आप अगर फ्यूचर में भी आप अगर पढ़ोगे या फिर एज अ काम करोगे, तो आपको आने चाहिए एज अ डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर्स. सो सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स जैसे हो गया फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप, है ना? इलस्ट्रेटर हो गया. तो ये सब आप एक्चुअली ऑनलाइन बहुत सारी कोर्सेज हैं, मैं आपको बाद में लिंक्स भी शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि इन सॉफ्टवेयर्स को एक्चुअल बनाएंगे कैसे, आप कैसे यूज करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को बनाना. सो ओवरऑल बट डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर्स एक जस्ट जरिया है, एक मीडियम है आपके थॉट्स और इमेजिनेशंस को आपके लाइक यूजर्स तक, आप दूसरे लोगों तक पहुंचाने का, है ना? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो, राइट?
ताकि आपका जो आइडिया है वो आप तक, आपके लोगों तक पहुंच सके. तो कैसे उसके प्रैक्टिस कर सके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था. तो डिज़ाइनर्स एक्चुअली एक चीज़ करते हैं अपने डिज़ाइन स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जैसे 30 days ऑफ डिज़ाइन हो गया, 30 days मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, राइट. जैसे अगर सिंपल एक सर्कल ही बनाना है, एक गोलाकार बनाना है ना स्केचबुक में, तो 30 days वो लोग प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छा कैसे हो सकता है, राइट. अगर आपको अलग अलग थॉट्स डालने हैं, स्केच करना है, तो 30 days या फिर 120 days भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट ओवरऑल डे टू डे द ऑब्जेक्टिव इज कि आप डे टू डे उसे प्रैक्टिस करें लाइफ में. I think this is an interesting idea, 30 days of design to practice anything, कुछ भी जो भी चीज आपका स्किल है. एक और क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में काफी बच्चों ने पूछा है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ. इसके बाद आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन दिस टू अदर पीपल. अगर किसी ने सवाल अभी तक नहीं पूछा है और वो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं भैया से, तो वो भी पूछ सकते हैं. ये सवाल आया है राजदीप की, हम इससे अपना एंटरप्रेन्योरशिप से क्या हम इसे लिंक कर सकते हैं, क्या हम डिजाइनिंग से, ग्राफिक डिजाइनिंग से अपना खुद का बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं? तो मे बी फ्रीलांसिंग या इस तरह से, इफ यू कैन टेल अ लिटिल अबाउट दैट. एब्सोल्युटली. सो एज अ डिजाइनर, राइट, आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है कि आप चूज कर सके आपको क्या करना है लाइफ में. तो आप एज अ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप एज अ कंसल्टिंग सर्विस या फिर आप अपना डिजाइन स्टूडियो बना सकते हो, है ना, चीज़ जहाँ पे अगर कंपनीज को ज़रूरत है कि वो आपको लोगों, उनको लोगों की डिज़ाइन की ज़रूरत है, तो आप एज अ डिज़ाइनर एजेंसी आप उनको अप्रोच कर सकते हो या फिर वो उनको अप्रोच करेंगे. ये एक वे हो गया. तो यहाँ पे आप अपना राइट अपना बिजनेस भी यहाँ पे बना सकते हो. द अदर पार्ट इज़ कि आप अगर लोगों के साथ, अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ नहीं काम करना चाहते हो, आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, आप एज अ फ्रीलांस डिज़ाइनर भी काम कर सकते हो. अब फ्रीलांस डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा आजकल इसमें चल रहा है, क्योंकि आप खुद प्रोजेक्ट लोगे. फ्रीलांस डिज़ाइनर होता है ये है कि आप खुद प्रोजेक्ट्स लोगे एंड आप खुद ही आपका क्लाइंट, आप खुद ही के बॉस होगे, राइट. बेस्ट थिंग अबाउट दैट कि आप खुद ही के खुद बॉस रहोगे, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, राइट. तो फ्रीलांसिंग में दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. और एज अ डिज़ाइन स्टूडियो आप काम कर सकते हो. और अगर आपको ये दोनों ही नहीं करने हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, राइट, लॉट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज जहाँ पे आप एज अ डिज़ाइनर आप काम कर सकते हो. ओके. तो अभी आंचल ने हैंड रेस किया है. आंचल, आप सवाल पूछना चाहते हो भैया से, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें. Try to keep your video also on. Achal. Achal, अगर आप बोल रहे हो तो आप की आवाज नहीं आ रही है. ओके आंचल, हम लोग, हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए फिर अपना सवाल. अंकिता और भावना ने भी हैंड रेस किया है, अगर आप अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. I'm sorry, आपकी आवाज थोड़ी आ रही थी. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आंचल. यस आंचल, हाँ आंचल, आपको सवाल पूछना है कुछ? जी, मैं चैट बॉक्स में बता दे रही हूँ. ओके, ठीक है आंचल. ओके, दामिनी भी लिख रही थी कि शी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. दामिनी, यू कैन गो अहेड एंड
ask your question. Unmute yourself. दामिनी, आप अगर बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है हमें. तो उसमें आगे क्या स्कोप है, जैसे अगर मैं इलस्ट्रेशन, मेरा फोटोशॉप, ये दो अच्छा है, तो मैं अगर आगे पैकेजिंग पे वर्क करना चाहती हूँ, ब्रांड प्रोडक्ट डिजाइन पे वर्क करना चाहती हूँ, तो इसमें क्या इसमें हमारा ठीक रहेगा कि मतलब इसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, मुझे ये चीज जाननी थी. इसमें आगे क्या स्कोप रहेगा अगर मैं इसमें करूँ तो. राइट, सो ओवरऑल मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर एक डिजाइनर हो, राइट, और आप अगर कोई भी करियर चूज करते हो विद इन डिजाइन, सो इसमें इन एंड ऑल कोई डिसएडवांटेज नहीं है आप अगर एज अ डिजाइनर बनोगे. क्योंकि एक डिजाइनर आपको, आप अगर देखोगे कि हर एक फील्ड में, फील्ड ऑफ वर्क, राइट, अगर कार बनाना है, कार बनाने से लेके एक छोटा ब्रोशर डिजाइन या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट, वहाँ पे हर एक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में. तो डिसएडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना, एज अ डिजाइनर बनने में. सो आपने जैसे दूसरा बोला कि आपको अगर इलस्ट्रेशंस या फिर पैकेजिंग डिजाइन, दो अलग अलग चीजें हो गई, बट आप मीडियम्स, दीज आर जस्ट द मीडियम्स, है ना. तो इट इज अ वेरी ग्रेट करियर अहेड, और यही चीज मैं बोलना चाहूंगा मोस्टली करियर डिजाइन के ऊपर, लाइक प्रोडक्ट के ऊपर. ओके, आंचल ने क्वेश्चन टाइप कर दिया चैट बॉक्स पे. आंचल पूछ रही है कि मेरा आर्ट अच्छा है तो मैं कौन सा करियर ऑप्शन ले सकती हूँ. आई थिंक भैया ने काफी इसके बारे में बात किया है अभी, जो तीनों ऑप्शंस बताए थे भैया ने. इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट राजदीप. सो एक और एक चीज होगी कि एक हो गया डिजाइन हो गया और एक हो गया फाइन आर्ट. तो अगर आपका स्केचिंग और आपका डिजाइन, मतलब आप जो स्केच करते हो, बहुत ज्यादा सही है और आपका इंटरेस्ट ज्यादा फाइन आर्ट की तरफ है, तो आप एज अ फाइन आर्ट आर्टिस्ट भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना. बट बोथ, दोनों में डिफरेंस है. फाइन आर्ट आर्टिस्ट बेसिकली आप जो भी उसमें बनाते हो वो, इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, टू डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट लोग. अगर आप अगर एक पेंटिंग देखते हो तो आप उसके दूसरे दूसरे अलग अलग मीनिंग्स निकाल सकते हो, है ना. बट आप, दैट इज नॉट द सेम केस व्हेन इट कम्स टू डिजाइन. जो आप एक्चुअली बना रहे हो वो आप लोगों के लिए बना रहे हो, और जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो मैक्सिमम लोगों तक सेम मैसेज जाना चाहिए. तो ये एक एक्चुअली डिफरेंस था. बट अगर आपका आर्ट बहुत सही है तो आप कमर्शियल वे में एज अ इलस्ट्रेटर भी बन सकते हो, आप वॉल आर्ट कर सकते हो, है ना, म्यूरल डिजाइन उसको बोलते हैं. तो डिजाइन में भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जहाँ पे आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, और फाइन आर्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपका स्केचिंग बहुत ज्यादा अच्छा है. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो भैया ने अभी बताया कि फाइन आर्ट और डिजाइन में क्या अंतर है. कोई किसी ने चैट बॉक्स पे पूछा भी है. निशा पूछ रही है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फाइन आर्ट. सो आई थिंक निशा अभी आपका सवाल आंसर हो गया. भैया ने बताया थोड़ा सा फाइन आर्ट के बारे में कि अगर आप ड्रॉ करते हो या पेंट करते हो जिसमें आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, वो मेन पर्पस है फाइन आर्ट बनाने का या फाइन आर्टिस्ट होने का. और डिजाइन में आप यूजर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचते हो कि जो इसको देखेगा, जो इसको यूज करेगा, वो कितना आसानी से इसे समझ पाएगा. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. हरिओम, आप. यस, एक्चुअली स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग ये है चीज. सो पोस्टर है, इसमें लिखा है कि गुड आर्ट सेंड्स अ डिफरेंट मैसेज टू एवरीवन, है ना, बट अ गुड डिजाइन सेंड्स द सेम मैसेज टू एवरीवन, द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, राइट. इंटरेस्टिंग. हरिओम, आपने भी दो एक सवाल पूछा है, क्या आप अनम्यूट करके पूछना चाहोगे? तो बेहतर समझ में आएगा. हरिओम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं.
यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. तो हरिओम ने लिखा था हाउ टू कम्पीट आवरसेल्व्स इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट. हरिओम आप अगर बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. अगर आप इसको अनम्यूट करके अगर क्लियरली पूछ पाओगे तो हमें आसानी से ज्यादा समझ में आएगा ये सवाल. हेलो. हाँ हरिओम बोलो. भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट में इतने सारे डिजाइनर्स हैं, मतलब सब कुछ है, तो इतनी सारी कंपनियां हैं, तो हम अपने आप को इस मॉडर्न मार्केट में कम्पीट कैसे कर पाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट सबको अच्छा लगे. करेक्ट करेक्ट. बहुत बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हरिओम. एंड सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. ठीक है, तो एक चीज तो है जैसे मैंने बात किया कि आप रोज प्रैक्टिस करो जो आप कर रहे हो, है ना. उससे आपका जो स्किल है आप जिसमें कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, ग्राफिक डिजाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड, या फिर यूआई यूएक्स हो गया, तो उसमें आपका स्किल डेवलप होगा. अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप अलग कैसे बनोगे दूसरों से, है ना. सो इट इज, सो एज मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको एक कोट दिखाया था, उसमें बताया था कि इट्स ऑल अबाउट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज स्टोरी टेलिंग, है ना. सो आप अपने अपने आप को कैसे अलग बनाते हो ओवरऑल, और कैसे आपको रिप्रेजेंट करते हो डिजाइन में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखो, है ना, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करो, उससे बहुत ज्यादा दिमाग खुलता है. सो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर मिलेगा, जिससे आप उसे डिजाइन में या फिर आपके अपने काम में इम्प्लाई कर सकते हो. वही एक्चुअली एक चीज रहेगा जो आप दूसरों से अलग कर सकते हो, है ना. ड्रीम आप, हाँ आपको और कोई क्वेश्चन है? ओके हाँ, हरिओम चैट पे लिख रहा है कि उसका सवाल आंसर हो गया है. राजदीप हमारे पास YouTube लाइव से भी कुछ सवाल हैं. तो YouTube लाइव में अंकित सिंह ने हमसे पूछा है कि क्या वीडियो एडिटिंग भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट होता है? वीडियो एडिटिंग मोस्टली फिल्म्स एंड डिजाइन में आता है, राइट. फिल्म्स एंड डिजाइन में वीडियो एडिटिंग पार्ट आता है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी सीखते हो, सिनेमाटोग्राफी सीखते हो, तो उसी का एक इंटीग्रल पार्ट फोटो एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है. और फोटो एडिटिंग एज अ ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मुर्गे के ऊपर एक दिमाग लगा होगा, या फिर ह्यूमन सर रखा होगा, है ना. सो ये सारी चीजें आप फोटोशॉप में फोटो मैनिपुलेशन की तरफ से कर सकते हो, तो वो एक टाइप का वीडियो एडिटिंग हो गया. तो आप ये सारी चीजें उसमें कर सकते हो. ओके ग्रेट. थैंक यू एवरीवन इतने सारे सवाल पूछने के लिए, और एंड थैंक यू राजदीप फॉर आंसरिंग ऑल दिस. मेरे ख्याल से अभी हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा. और अगर आप लोगों के पास और भी कोई सवाल है तो हम लोग हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें राजदीप भैया को भी हम ऐड कर लेंगे अब, और उसमें आप लोग अपने सवाल पूछ पाएंगे भैया से. अगले 2 दिन के लिए हम उसे एक्टिव रखेंगे ताकि आपके पास जो भी और सवाल है आप वो पूछ पाए भैया से. तो भैया ने आज के सेशन में 3 चीजें हमें बताई हैं एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइन में जो करियर ऑप्शंस हैं. काफी सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात की है भैया ने. 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात किया है कि एनिमेशन में कैसे करियर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. 3D एनिमेशन की बात की भैया ने, 2D एनिमेशन की बात की. फिर भैया ने बताया ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, कैसे लोगो ब्रोशर्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. और तीसरा भैया ने बात किया था कि UI UX जिसको यूजर एक्सपीरियंस भी कहते हैं, एक्सपीरियंस डिजाइन भी कहते हैं, वो कैसे. अच्छा परवीन पूछे ना फीडबैक ऑफ, परवीन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें, तो वो कैसे, उसमें क्या करियर ऑप्शंस है. अगर आप में से कोई भी शेयर कर सकता है कि आपने आज के सेशन में क्या आपको नई चीज पता चली, तो वो अच्छा रहेगा. अगर आप सब लोग चैट बॉक्स पर टाइप कर देंगे एक चीज जो आपने आज के सेशन से सीखी है, जो आपको नई पता चली है,
अगर कोई अनम्यूट करके शेयर भी करना चाहेगा तो वो भी अच्छा होगा. ओके, किरण लिख रही है यूआई यूएक्स, उसको नया पता चला. थैंक यू किरण फॉर शेयरिंग दिस. बाकी अगर कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहता है. हम लोग 30 सेकंड्स रुक रहे हैं. आप लोग चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए कि आज कौन सी एक चीज आपको नई पता चली है. ओके, यामिनी लिख रही है फाइन आर्ट और यूआई यूएक्स के बारे में पता चला. अंकिता को एनिमेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पता चला है. हरिओम कह रहा है ऑलवेज डू द थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट. आशीष लिख रही है ग्राफिक डिजाइन इन यूआई यूएक्स. आई थिंक यूआई यूएक्स सब लोगों को आज इंटरेस्टिंग लगा. ग्राफिक डिजाइन, हाउ टू मेक करियर इन एनिमेशन. थैंक यू श्रुति फॉर शेयरिंग दिस. बाकी लोग भी फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. ओके, निर्जला को भी यूआई यूएक्स नया पता चला है आज. ग्राफिक डिजाइन के बारे में कुछ न्यू पता चला. एनिमेशन से करियर के बारे में पता चला. टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में मालूम चला. यूआई यूएक्स एंड आर्ट, वेरी गुड. आप लोग टाइप करते रहिए चैट बॉक्स में आपको जो भी आज नई चीज मालूम चली है. सेशन ओवर करने से पहले भैया आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क भी लेके आए हैं जो आप सेशन के बाद में जाके घर पे भी कर सकते हैं. आई वुड आस्क राजदीप टू शेयर दैट विद एवरीवन. यस यस, सो बिफोर एक्चुअली मैं टास्क शेयर करूँ आप लोगों के साथ, मैं एक चीज एक्चुअली बोलना चाहता था कि हमारा एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा एक्चुअली फॉल्टी है ना. तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद को सेल्फ डाउट करते हो कि यार जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं, राइट. तो इट्स वेरी सिमिलर टू आस्किंग अ फिश टू फ्लाई. एक मछली को आप बोल रहे हो कि उड़ो उड़ो, आप उड़ सकते हो, है ना, बट उसका काम ही नहीं है वो. सो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप कोई चीज़ पसंद करते हो या फिर उसको परस्यू करना चाहते हो, आप उसको 100% डेडिकेशन दो और दुनिया की मत सुनो, क्योंकि दुनिया बोलती रहेगी, राइट. बट आप अगर 100% उस एक पर्टिकुलर चीज़ को दोगे जो आपको बहुत पसंद है, आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे और डे टू डे लाइफ में आप उसे और बेहतर तरीके से कर पाओगे, राइट. सो ये तो हो गया इस बारे में. सो आज का टास्क एक्चुअली बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, राइट. कितने लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखा है? आप हाथ ऊपर करो या फिर चैट में मुझे लिख के बताओ. सो वहां पे आपने देखा होगा. ओके ओके, बहुत लोगों ने देखा है. ओके सो आपने देखा होगा कि ईशान एक बुक बनाता है जहाँ पे वो अपने अपने से अलग हो रहा है फैमिली से, है ना, उसे फ्लिप बुक कहते हैं. तो आज एक्चुअली आपका टास्क वही है. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आपको एक छोटा सा वेरी सिंपल एक फ्लिप बुक बनाना है. सो आप बेसिकली एक सिंपल लाइन से भी आप कर सकते हो, है ना. आप एक सर्कल भी कर सकते हो कि एक सर्कल कैसे बाउंस हो रहा है, आप वो भी दिखा सकते हो. तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसके लिए? एक छोटा सा आई थिंक सो 4 or 5 पेपर में काम हो जाएगा. छोटे से साइड आप लीजिए, उसमें आप ड्रॉ करना चालू कीजिए. एक थोड़ा सा टिप देना चाहूँगा कि वो एक्चुअली थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेपर, ताकि आप पीछे देख सकें कि क्या हो रहा है ना. तो उससे आप पहला मोमेंट अगर आपने सीधा किया, उसके बाद थोड़ा सा आप दूसरे पेज में कर्व कर सकते हो, फिर तीसरे पेज में थोड़ा और कर्व करके कुछ और बना सकते हो, है ना. और जब आप ऐसे पेजेस मोड़ोगे तो आपको वो एक्चुअली मूवमेंट दिखेगा, जैसे आप अगर स्क्रीन में देख पा रहे हो. तो ये आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं करना है. आप सिंपल लाइन से भी कर सकते हो, आप एक सर्कल ड्रॉ करके भी उसका मूवमेंट, एक बॉल बाउंस हो रहा है वो भी दिखा सकते हो. तो इट्स अप टू यू, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ एंड देन लेट्स सी आप लोग क्या बनाते हो. मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूँगा, बहुत सिंपल वीडियोस, जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है कि यार कैसे करें. एंड प्लीज आप पेज वेस्ट मत करना, ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा. आप पुराने बुक्स भी ले सकते हो, कॉपीज, जहाँ पे आप साइड में भी उसमें ड्रॉ कर सकते हो, राइट, जहाँ पे थोड़ा स्पेस बाकी है. बेसिकली आपको एक्सप्लोर करना है इस बारे में कि आप क्या दिखाना चाहते हो, राइट.
ओके निर्जला कह रही है कि उसे समझ नहीं आया है, किरण कह रही लिख रही है मोशन ट्विनिंग, ओके निर्जला तो आप जिस व्हाट्सएप पे हो आपको वहां पे भैया और थोड़ा सा वीडियोस भेज देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए जो भैया ने इनिशियली बताया था कि डिजाइन जो है इसमें आप जो कहानी कहना चाहते हो जो बताना चाहते हो वो होता है, आपका आर्ट भी होता है, तो वो सब कुछ मिला के आपको ये टास्क करना होगा। आपको एक छोटी सी फ्लिप बुक तैयार करनी है जिसके अगर आप पन्ने पलटोगे तो हर पन्ने पे एक नई ड्राइंग होगी जिससे कुछ आप कहानी कह सकते हो, तो वो कुछ भी कहानी हो सकती है, कैसे भी ड्राइंग हो सकती है, वो पूरी आपकी चॉइस है। और समझने के लिए डिटेल में हम आपको ग्रुप में कुछ और वीडियोस भेज देंगे जिससे आप समझ पाओगे कि ये कैसे करना है। काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि उन्हें समझ में आ गया है, दैट इज वेरी गुड। तो जैसे हम लोग ये इस तरह से हम लोग कोरोना में रुकोना सीरीज कर रहे हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन करवा रहे हैं, ये सेशंस हम लोग YouTube पे भी लाइव करते हैं। तो अगर आपको बाद में भी कभी YouTube पे कोई सेशन देखना है तो आप हम लोगों का अलोमोरा एजुकेशन नाम से चैनल है, तो आप वो चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे सेशंस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। और क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है हम लोग ये सब वर्चुअली करें, तो आप लोग भी प्लीज अपना ध्यान रखिए, सब लोग हैंड वॉश करते रहिए और दूरी बना के रखिए। मैं आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इस चैट बॉक्स पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी फीडबैक फॉर्म शेयर कर देंगे, उसे प्लीज आप सब लोग भर दीजिए ताकि हमें पता चलता है कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या हमको इसमें कुछ और बदलाव करना चाहिए। तो प्लीज ये फीडबैक फॉर्म आप जरूर भर दीजिए, इसको आप क्लिक कर लेंगे, इसको अगर आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे आप फॉर्म तक, और अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउजर पे डाल देंगे तो भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ओके आई एम नॉट एबल टू सेंड दिस, यस ये फॉर्म है, मैं इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगी। अगर कोई भी शेयर करना चाहता है आज का सेशन आपको कैसा लगा तो हम डेफिनेटली सुनना चाहेंगे आपसे, चैट बॉक्स पे टाइप करना हो तो वो भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोलेंगे तो और मजा आएगा। अच्छा ये टास्क सबको पहले तो सब बहुत अच्छा लगा है, हरिओम भी कह रहा है क्लास अमेजिंग, क्लास वाज अमेजिंग, कशिश थैंक यू फॉर शेयरिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, किरण भी लिख रही है मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, थैंक यू किरण फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। एनीवन हु वांट्स टू शेयर अनम्यूट एंड शेयर भी कर सकते हैं। बेस्ट क्लास फॉरएवर, हरिओम को काफी अच्छी लगी ये क्लास, थैंक यू हरिओम फॉर शेयरिंग दिस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लवेबल सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। परवीन लिख रही है खूब भालो सेशन सर, थैंक यू, ग्रेट लवली, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग दिस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया और आप इस तरह से और सेशंस के लिए भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए, मैं अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ, हम सब लोग एक साथ भैया को हम एक दूसरे को बाय बोल सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीवन, बाय 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 बाय, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, बाय, थैंक यू। Bye everyone. Hi, thank you. Can we leave now? Yes, yes, you can leave now. Thank you so much for joining. Bye. Meeting over गई है. आप लोग meeting leave कर सकते हैं. Thank you so much for joining. Yeah.
Bye everyone. दो बार तो लाइव या ना करी नहीं था. आर यू एबल टू सेव चैट? हाँ कर दिया मैंने. Okay, I'll end the meeting then. Yeah. Oh, they missed Raju.